एमएसपी क्या है? एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में बोले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी किसानों को दी जाने वाली एक गारंटी की तरह होती है, जिसमें तय किया जाता है कि बाजार में किसानों की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और ये फिक्स प्राइस से कम में बाजारों में नहीं बिकती है। एमएसपी फिक्स होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को फिक्स कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसानों को नुकसान से बचाना होता है, इसलिए शुरू में उसका प्राइस फिक्स कर देते हैं। अगर बाद में उसका रेट गिरता भी है तब भी वो लोग उसी रेट में उसे बेचेंगे। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी लागू करती है और राज्य सरकारों के पास भी एमएसपी लागू करने का अधिकार है, तो किसानों को एमएसपी कानून चाहिए, इसीलिए वो लोग फिर से धरने पर चले गए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को फॉलो जरूर करना एंड शेयर भी कर दो।